बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। किचन विद ज़ारा में आप सबका वेलकम है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़े का क्रिस्पी KFC चिकन रेडी करेंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। KFC क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए हमने एक बाउल में 4 से 5 ग्लास पानी ले लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून हम साल्ट ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमने 4 ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाया है और उसको भी हम पानी में ऐड कर देंगे। और 4 to 5 टेबल स्पून हमने सिरका यूज़ किया है, इसको भी हम पानी में ऐड करके पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे हम यहाँ पे इसे और इसमें चिकन ऐड कर देंगे और 4 घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन को 4 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट हुए हुए, तो अभी हम इसको जो है वो पानी में से निकाल लेते हैं। चिकन को हमने यहाँ पे निकाल लिया है और अभी हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून हमारे पास साल्ट है, ये, और रेड चिली पाउडर ये हमारे पास है 1 टीस्पून, ये भी ऐड कर देंगे। ये हमारे पास 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना, बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। और 1.5 टीस्पून यहाँ पे हमारे पास गार्लिक पाउडर है, ये यूज़ करेंगे हम। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, ये भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ पे अभी हम इस पर 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। वन टेबल स्पून हम इस पे चिली सॉस। इन्हें अब हम अच्छे से मिक्स करते हैं। हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लें तो उसके साथ इजीली हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा सब कुछ मिक्स। चिकन के ऊपर सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से लग चुके हैं, तो चलें अब हम फर्दर प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये तो आप लोग देखते हैं, यहाँ पे एक कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है यहाँ पे और इसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे हमने 2 कप मैदा लिया है, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है और क्योंकि हमने यहाँ पे सारे स्पाइसेस लगा लिए थे तो यहाँ पे स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका चिकन फीका हो तो आप इसमें जो है वो कुछ स्पाइसेस डाल सकते हैं ताकि चिकन में फ्लेवर आ सके। और यहाँ पर हमने 1.5 लीटर पानी लिया है और चलें इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। अच्छे से हमने चिकन का पीस उठा के इसको हमने यहाँ पे मैदा लगाना है, अच्छे से प्रेस कर करके लगाना है तो ही अच्छा बनेगा ये। ये देखिए अच्छे से लग गया है, अभी हम इसे 1 मिनट के लिए पानी में डिप करेंगे। 1 मिनट बाद मिलते हैं। 1 मिनट हो गया, अभी हम इसे पानी में से निकाल लेंगे, आराम से निकालना है। और दोबारा फिर इसी तरह से इसके ऊपर प्रेस कर करके आटा लगाना है हमने, ये वाला मैदा। ऑयल भी जो है वो हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो गया, जैसे ही अच्छे से ऑयल हमारा गर्म होता है तो हम इसको जो है ऑयल में डाल देंगे।
हमने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन, जब तक इसका कलर आ जाए और क्रिस्पी हो जाए। फुल फ्लेम पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, अगर ऐसा हम करेंगे तो चिकन जो हमारा वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। एक्स्ट्रा जो मैदा है वो हम डस्ट कर देंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे और इसी तरह से हम सारे कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं चिकन जो है हमारा मीडियम फ्लेम पर फ्राई हो रहा है, और जैसे ये फ्राई हो जाएगा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। जो जो पीसेस गोल्डन होते जाएंगे हम उन्हें निकालते जाएंगे, ये भी गोल्डन हो चुका है इसे हम निकाल लेते हैं। सारे पीसेस ऑलमोस्ट गोल्डन हो चुके हैं, अभी वन बाय वन करके हम इन सबको निकाल लेते हैं। जी तो आप लोग देख सकते हैं हमारा KFC स्टाइल क्रिस्पी चिकन रेडी है, बहुत ही मज़े का बना है। आप लोग इस रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दें। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली आप हमारे चैनल किचन विद ज़ारा को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।